देखिए, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर का सिलेबस आज आ गया है और बहुत सारे बच्चे महीनों से इंतज़ार करते आ रहे हैं कि सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, पैटर्न क्या होगा, क्या पूछेगा, प्रश्न कहाँ से, मैथ्स रहेगा कि नहीं रहेगा, किस विषय से कितने प्रश्न कितना होगा, जीएस का वेटेज कितना रहेगा। ये सारी जो चिंताएँ थी वो सबका समाधान आज आ गया है। हालाँकि बहुत देर में आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। एक बात मैं बोलूँगा कि केवल 10-15 दिन पहले आपका सिलेबस देके एग्ज़ाम कराना बच्चों के साथ फेयर नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इसके बगैर चिंता किए अपनी पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, वो अपनी तैयारी करते रहते हैं जहाँ से भी हो सकता है। क्योंकि एक बात तो तय थी कि जीएस आना है, हिंदी आना है, रीजनिंग आना है, जो थोड़ी बहुत शंका थी वो मैथ में थी, वो भी आज क्लियर हो गया है। लेकिन जो बच्चे थे, जो सीरियस बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे थे। और आप लोग भी जो भी हो गए, जो ये वीडियो देख रहे हो, इनमें बहुत सारे बच्चे जो सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत जब से सिलेबस क्या जब से नोटिफिकेशन आया है तब से वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी अब क्या करना चाहिए, जब से ये अभी 2-3 घंटा पहले आया है सिलेबस, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, सर समय बहुत कम बचा हुआ है, कैसे तैयारी करें, मार्गदर्शन करिए, क्या पढ़ें। अभी एक बात तो तय है कि समय आपके पास बहुत कम है। आज 21 तारीख है और आपका 14-15 सितंबर में आपका पेपर है, तो मुश्किल से ये 24-25 दिन आपके पास है। अब इस 24-25 में आपके पास जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होना चाहिए वो आपकी रणनीति होनी चाहिए। कौन सी रणनीति आपके लिए कितनी कारगर साबित होगी, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना समय दें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में हम समझेंगे। तो एक बार जैसा कि अभी आपके सामने रवन सर आए, वो आपको पूरा सिलेबस बता के गए, पूरा पैटर्न बता के गए कि कैसे आया है। मैं आपके सामने एक रणनीति डिस्कस करूंगा कि आखिर कैसे हम तैयारी करें। तो जैसा कि आप लोग इसका पैटर्न देख लिए हो, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन, मैथ साइंस के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन। अगर आप इसका ओवरव्यू देखो, टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, 2 नंबर के पॉजिटिव नंबर और 1/4 नेगेटिव 2 का, यानी कि 0.50। अभी तक आपका नेगेटिव 50% होता था, लेकिन लोअर में उन्होंने बदलाव किया है और क्या बोले हैं कि आपका जो नेगेटिव होगा ये 25% होगा, और ये बहुत बड़ी राहत है सभी के लिए। दूसरी बात, हम उस वर्ग विशेष पे ध्यान दें जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है। अगर ध्यान से देखें तो ऐसे टाइप के 2 टाइप के लोग हैं। मैं थोड़ा रफ करके आपको यहाँ पे बताऊंगा या साइड में कर दे रहा हूँ। पहला, जिनके जीएस मजबूत है। जीएस मजबूत मतलब ऐसे बच्चे जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPPCS कई साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इस लोअर का फॉर्म भरे थे, क्योंकि पहले ये आयोग ही कराता था, UPPSC के अंतर्गत एग्ज़ाम होता था, बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट थी ये सारी, अभी UPSSSC में आ गया है। UPSSSC में आ जाने के कारण इस एग्ज़ाम में वनडे वाले बच्चे मतलब जो बैंक, खासकर SSC, रेलवे, इन सब की तैयारी करते थे, UPSI या और भी कोई, इन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, वो भी अपनी रुचि दिखाए। क्यों? क्योंकि इस बार पेपर कौन करा रहा है? UPSSSC करा रहा है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इस बार पैटर्न कुछ बदलेगा, उनका जो मैथ और साइंस और रीजनिंग जो पोर्शन होता है वो भी पूछेगा। वो भी फॉर्म भरे और फॉर्म की संख्या भी 11 लाख लगभग जाके पड़ी है। तो एक बात तो तय है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि ये जो एग्ज़ाम UPSSSC लोअर का हुआ, ये एक ब्रिज आपके लिए साबित हुआ। ये ब्रिज किसके बीच में? सिविल सर्विसेज बच्चों के तैयारी करने के बीच में और वनडे वाले बच्चों की तैयारी करने के बीच में एक ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए डिफरेंट होगी। जो वनडे वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग, और जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग। ठीक है, अभी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं
उनका ये पोर्शन स्ट्रांग होता है या इस पोर्शन को तैयारी करने में वो इंटरेस्ट रखते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं ये इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उनका इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस रहता है और उनका वो तैयार भी रहता है। जो वनडे वाले बच्चे हैं वो मैथ साइंस और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस। एक बात क्लियर है? तो अगर मैं पहले सिविल सर्विसेज की बात करूँ, यहाँ इसकी बात करूँ, तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म डाले थे, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी, और अक्सर कोचिंग में हमारे या ऑनलाइन पोर्टल पे व्हाट्सएप के थ्रू एक बात हमेशा कहते थे, सर मैथ्स न आए, सर रीजनिंग का कोई बेटिज 50 क्वेश्चन ना हो वरना बेकार हो जाएगा। देखिए हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, हर व्यक्ति, वो चाहे वनडे वाला बच्चा हो, वो चाहे सिविल वाला हो। सिविल वाला बच्चा सोच रहा था कि ज़्यादा जीएस आए, वनडे वाला बच्चा सोच रहा था कि ज़्यादा मैथ और रीजनिंग आए, और सभी लोग अपना फेवर तो चाहेंगे ही, लेकिन आयोग ने बहुत ही बैलेंस्ड पैटर्न दिया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो 50 ये, 50 में 25 आपके मैथ्स होंगे मैक्सिमम, 25 आपके क्या होंगे, रीजनिंग होंगे, और 25 क्या होंगे, हिंदी। 150 में 75 क्वेश्चन ये हो गए, और 75 क्वेश्चन, 50 ये जीएस और 25 इस साइंस का भी जीएस में ही है, तो 75 क्वेश्चन जीएस पोर्शन आपका कवर कर रहा है 75 क्वेश्चन का, और जो दूसरा 75 क्वेश्चन है वो आपका मैथ रीजनिंग और हिंदी कवर कर रहा है, तो 50-50% दोनों का है। हमने कई बार जो पहली वीडियो हमने आपको दी थी UP SSC जब नोटिफिकेशन आया था उस समय सिलेबस को पैटर्न को लेकर एक वीडियो हम दिए थे चैनल पर, उसमें भी यही डिस्कस किया गया था कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो 50% आपका जीएस रहेगा और 50% आपके अदर रहेंगे, और हूबहू वही हुआ, वही नहीं प्री में भी और मेंस में भी, क्योंकि ये एग्ज़ाम अब प्री और मेंस में होगा तो थोड़ा लंबा तो एग्ज़ाम जाएगा, और ये फेयर भी है। केवल इतने बड़े पोस्ट को इतने सारे लोग, 11 लाख लोग, 12 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उनको केवल एक पेपर के बल पर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एक पेपर से ही हम ये नहीं पता लगा सकते कि इस बच्चे में कितनी काबिलियत है। बहुत सारी सिचुएशन होती है, सिचुएशन की बात अभी हम नहीं करेंगे कि क्या सिचुएशन है, कोई पेपर देने जा रहा है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, या और भी कोई फैक्टर है जिससे उसकी तैयारी कम रह जा रही है, या एग्ज़ाम टेम्परामेंट है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण क्या होता है कि एक पेपर में जज करना, वो भी फॉर्म कम होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्म ज़्यादा है आयोग को भी हल्का काम आसान हो जाए कि भाई 12 लाख को एक साथ पेपर कंडक्ट कराना दिक्कत हुई, इसलिए वो स्क्रीनिंग करेंगे, पहले 20,000 बच्चों को लेंगे। तो दो पैटर्न हो गया, दोनों में सिलेबस आपका सेम है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कई लोग कह रहे हैं कि जो सिलेबस है दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, आप अपने फेवर में सोचो क्यों डिफरेंट होना चाहिए। भाई आप वही यहाँ पे पढ़ो, वही आप मेंस में पढ़ो, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, 10 डिफरेंट चीज़ को पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेटर है, तो ये रणनीति यहाँ पे फिर से काम करेगी। अब हम सबसे पहले आते हैं, सिविल सर्विसेज बच्चों की बात कर रहे थे कि जो ये डर रहे थे कि मैथ साइंस ना आए, रीजनिंग ना आए, उनके लिए वो सोच रहे हैं कि एकदम गलत हो गया, वो निराश हो गए हैं, डिमोरलाइज हो गए हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए मैं पहली बात बताऊँ, कॉम्पिटिशन 50-50 का है, दोनों में 50-50 का कंपटीशन है। अभी भी जितना आपका वनडे का बच्चा फाइट कर रहा है उतना ही सिविल सर्विसेज का बच्चा फाइट कर रहा है। ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी का कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल है, वो चाहे वनडे का हो, वो चाहे सिविल का हो। सिविल की मैं बात करता हूँ, जो ये 50 क्वेश्चन जीएस के हैं, भाई पहली बात तो आपकी जीएस पहले से अच्छी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन महीनों पहले आया है तब से आपको पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात, आप केवल इसी एग्ज़ाम के लिए तो बैठे नहीं थे कि नहीं भाई लोअर होगा हम ही एग्ज़ाम देंगे, आप इसके साथ भी तैयारी कर रहे थे, तो ये पोर्शन तो आपका ऑलरेडी तैयार है, यहाँ पे आपको रिवाइज करना है, और जितनी बार हो सके उतनी बार आप उसे रिवाइज करिए। इसमें पर्टिकुलर 24-25 दिन की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस अभी मैं आपके आगे ही बताता हूँ, अभी मैं इतना बोलूँगा केवल कि आप जनरल स्टडीज़ में एकदम ये आपका प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आप गलतियाँ मत करें। पहली बात तो निगेटिव उसने 1/4 कर दिया, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है। दूसरी बात, आप अपने तरफ से भी ईमानदार रहिए, एक्यूरेसी मेंटेन करिए ताकि आपका निगेटिव नंबर कम से कम हो। दूसरी बात, हिंदी,
सिविल सर्विसेज वालों के लिए। ये एक ऐसा पोर्शन है, आपकी मातृभाषा भी है भाई, आप यूपी में रह रहे हो, तो ऑलरेडी कोई बच्चा एकदम हिंदी ना पढ़ा हो, एकदम ना पढ़ा हो, इवन वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, वो भी पेपर देने चला जाएगा तो 15 से 18 क्वेश्चन कर लेगा, 15 क्वेश्चन मान के चलिए 25 में आराम से कर लेगा। ज़्यादा पढ़ लेगा कोई, बहुत अच्छा पढ़ लेगा 22-23 कर लेगा, किसी की तैयारी बहुत अच्छी होगी तो 25 में 24, मैं 25 में 25 नहीं कह रहा हूँ, 25 में 24 क्वेश्चन तो वो कर सकता है। और अगर आप सिविल सर्विसेज वाले हैं तो आपके ये दो पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। कहने का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ कि जो 75 क्वेश्चन आपका जीएस प्लस हिंदी मिलके बन रहा है, इसमें आपको स्कोर करना है, ये आपका प्लस पॉइंट है। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे 65 से 70 के बीच में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ 90% एक्यूरेसी के साथ 65 से 70 क्वेश्चन आप 75 क्वेश्चन में करने की कोशिश करिए। क्यों? कारण भी है, क्योंकि जो मैथ पोर्शन है आपके लिए वो आपका फैक्टर रहा है कमजोर, आप डरते भी रहे हो, आप उसे पढ़े भी नहीं हो, आप उसका बैकग्राउंड भी नहीं है, तो 24 दिन में कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि आपको मैथ एकदम पक्का कर देगी, कि आप सोचो नहीं 24 दिन में हम 25 के 25 क्वेश्चन कर लें, नहीं, प्रैक्टिकल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट नाम की भी चीज़ होती है, क्योंकि पेपर आपका 2 घंटे का है, 2 घंटे में अगर आप जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन करने हों, 25 क्वेश्चन साइंस के करने हों, 25 क्वेश्चन हिंदी के करने हों, कहने का मतलब कितना, 100 क्वेश्चन, तो आप कितना समय में कर लोगे, मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी बच्चे को जिसकी तैयारी और अच्छी है वो 15 मिनट में ही कर लेगा, 15 से 20 मिनट में आपका हो जाएगा। अब आपके पास पूरा 1 घंटा 40 मिनट बच रहा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके गए हो, वो टॉपिक देख के गए हो, मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा, वो टॉपिक देख के गए हो जो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, जहाँ से आसान होता है वो पोर्शन करोगे, तो आप वहाँ पे भी, मैं कह रहा हूँ 25 में इस मैथ्स के जो 50 है मैथ साइंस मिला के, इस 25 में आप 10 क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हो, और जो ये रीजनिंग का पोर्शन है इस 25 में आप कम से कम 15 क्वेश्चन कर सकते हो, 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि ये पोर्शन तो आपके दिमाग का लेवल, आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक करता है, इसमें कोई तरीका नहीं चाहिए, इसमें कोई मेथडोलॉजी नहीं होती है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें आपका दिमाग का चलना होता है, आप उस टाइप के क्वेश्चन से एक बार गुजरे हो, उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो बस, और प्रैक्टिस के लिए हम ऑलरेडी फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, 4-5 पेपर हो चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, 4-5 आपके और होने हैं, जो आपका फुल लेंथ होगा, पैटर्न आ गया है, तो फुल लेंथ पेपर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आप उस पर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट की लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में लगी है, चिंता मत करिए, आप टेलीग्राम चैनल के लिंक लगे हुए वहाँ से ज्वाइन करके आप जा सकते हैं, सारे के सारे टेस्ट पैनल पे फ्री, फुल्ली फ्री है, आपको पूरा टेस्ट, उसमें कोई पैसा नहीं है, आप उसे दीजिए और केवल आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, केवल टेस्ट सीरीज इस लास्ट के 24 दिनों में, तो रीजनिंग और मैथ्स के 50 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन करने का दावा हमारी टीम आपके सामने रखती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी 65 से 70 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज वालों की, अभी वनडे वाले बच्चे थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा मैं आता हूँ उन पर भी, 65 से 70 क्वेश्चन आपका इत्मीनान से होना चाहिए क्या, आपके जीएस से, जीएस में आपका साइंस भी है ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन ये वाला जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, यूपी, एग्रीकल्चर, ये सारे टॉपिक है, कंप्यूटर के भी 3-4 क्वेश्चन, प्लस 25 क्वेश्चन साइंस वाला, विज्ञान के, ये भी आपका इसी में आता है। तो 65 से 70 क्वेश्चन आपका ये करना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में अगर आप कुछ ना कर पाओ, केवल आप 25 से 30 क्वेश्चन कर लो, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि हो जाना है। कारण फिर से वही कि 50% दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक, अभी हम एक बार आते हैं वनडे के बच्चों के लिए, जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, थोड़ा एसएससी वगैरह फोकस होते हैं, या यूपीएसआई, या ये सब ऐसे पेपर होते हैं, रेलवे वगैरह हुए, उनकी स्ट्रेटेजी एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी उनके लिए जीएस फैक्टर तो मैं बात ही नहीं करूँगा, एकदम आप भूल जाइए अभी इसको, ये समझिए कि आपके लिए नहीं है।
आपके पास अपना जो हथियार जिसमें आप हमेशा अपने आप को अच्छा समझते आए हो, एक मैथ है और दूसरा आपके साथ क्या है, रीजन। अभी मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, ये दोनों पोर्शन आपको सबसे अच्छा करना है। मैथ्स क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप वही पढ़ते आए हो, दूसरी बात ये पोर्शन ऐसा है जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप वन डे कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपकी साइंस भी स्ट्रांग होनी होती ही है, निश्चित है उन सारे बच्चों की साइंस अच्छी होती है, विज्ञान जो है। तो मैथ साइंस के 50 क्वेश्चन ही है और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, फिर से वही कंडीशन आ गया, 65 से 70 आपके लिए भी फेवरेबल है। ये आपको करना है जो वनडे वाले बच्चे, इसे आपको छोड़ना नहीं है। आप बचे हुए समय में हमारी जो टेस्ट सीरीज है उससे मैथ्स के क्वेश्चन एकदम हूबहू वही पैटर्न पे, हम लोग पहले भी पेपर कराते आए हैं, अब तो पैटर्न हो गया है तो फिर से उसी पे चलेगा। और मैं फिर दावा कर रहा हूँ, वीडियो में आप पेपर उठा लीजिए, एग्जैक्टली हम लोग एग्ज़ाम को फॉलो किए थे, और फिर लोअर में जब पेपर आएगा तो आप एक बार रख के बगल बगल देख लीजिएगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, एकदम वही फॉलो होने वाला है आपको। तो आप वहाँ से केवल प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पे आपको सीट भी अवेलेबल करा दी गई है, रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, सारे नोट्स दे दिए गए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो 65 से 70 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ साइंस वाला। अब आते हैं हिंदी और जनरल स्टडीज़। देखिए आपके साथ एक प्लस पॉइंट है, इसके अलावा आपका ये जो है ये बोनस है ना, ये बोनस है आपके लिए। आप ये 65 से 70 करने के बाद इसमें थोड़ा सा पढ़ के 25 में आप 22-23 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर लोगे, और फिर आप 75 वो हो गए, 22-23 वो हो गए, आप 97 से 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक, अब आपके पास आता है जनरल स्टडीज़। तो देखिए अब मैं थोड़ा जनरल स्टडीज़ के बारे में ही बताऊंगा, और ये दोनों के लिए है, वनडे वालों के लिए भी, इसे मैं थोड़ा रफ करता हूँ। पैटर्न आप सभी को मालूम हो गया होगा, इतनी जगह PDF देख लिए होंगे, सब लोग शेयर किए हैं, इतनी जगह YouTube चैनल पे वीडियोस देख लिए होंगे कि आपको रट गया होगा। मैं थोड़ा अलग बताता हूँ आपको, जनरल स्टडीज़ की बात करूँगा मैं, जनरल स्टडीज़ की। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर ये कहाँ से पढ़े, इवन सिविल सर्विसेज वाले, इवन वनडे वाले बच्चे। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें और जो प्रीवियस अभी पेपर हुए हैं युवा कल्याण या मंडी परिषद, उस पर एक बार नज़र दौड़ाएं, तो मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया ये पोर्शन, पॉलिटी, ठीक, आपके ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऊपर ऊपर ही पूछता है, करेंट सबसे बड़ी टॉपिक, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल, और कंप्यूटर प्लस एग्रीकल्चर प्लस एक्स्ट्रा, ये आपकी मेन टॉपिक है। आपको तैयार क्या करना है, सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज ले जाने वाला है, पॉलिटी देखिए सबसे ज़्यादा उसके बाद वेटेज है, फिर करंट उसके बाद वेटेज है, और फिर ज्योग्राफी। इस चार पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करिए। और अभी आप बोलोगे कि तैयार कहाँ से करें, कौन सी किताब फॉलो करें, कहाँ जाएं, तो देखिए एक बात, ये पेपर किसके अंडर में हो रहा है, UP SSC का, दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि ये पेपर आपका GS बहुत ही टफ आने वाला है कि आप उसे कर नहीं पाओगे। अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, और आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई बुक ना फॉलो करिए, मार्केट में लूसेंट है सबसे ऑथेंटिक किताब है, अगर आप लूसेंट पढ़िए, और एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पढ़िए। आप लोग क्या करते हो, पहली बात तो बिलीव नहीं करते हो, दूसरी बात आप एक बार पढ़ोगे फिर सोचोगे एक बार में ही आप कंठस्थ हो जाए, नहीं, एक बार में GS आपको नहीं रटने वाली है, आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार 4-5 बार केवल हिस्ट्री में आप कुछ मत छूइए, केवल मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिटी मुश्किल से 25 से 30 पेज में दिया हुआ है, 5 घंटे नहीं लगेंगे आपको पढ़ने में, उसे 10-12 बार पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, करंट, करंट सबसे ज़्यादा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने महीने का पढ़ें क्या पढ़ें, एक बात तो तय है, एक बात देखिएगा, पेपर आपका 14 से 15 सितंबर को होने वाला है, थोड़ा समझिएगा बैकएंड पे चीज़ें क्या होती हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है सब। 14 से 15 सितंबर को आपका पेपर होगा, है ना, 12 लाख फॉर्म पड़े हैं,
लगभग 11 लाख समथिंग है, लगभग 12 लाख में बोल रहा हूँ, इतने फॉर्म पड़े, इतने बच्चों का पेपर कंडक्ट कराना है। पेपर कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन सेट होते हैं, क्वेश्चन सेट करने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग के बाद उसकी टाइपिंग होती है, टाइपिंग के बाद उसकी प्रिंटिंग होती है जो सैंपल पेपर होते हैं, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर जो करेक्शन है उससे किया जाता है, फिर से उसका बल्क में प्रिंटिंग होती है, और फिर इनसे बड़ा काम जिससे सेंटर पे आपका पेपर होना है उतने सेंटर पे ये सारे पेपर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये 15 दिन का काम है? नहीं, ये महीनों का काम है। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत का ऐसा नहीं है, कितनी भी संस्था, कोई प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इतनी तेज नहीं है कि आपका 15 दिन में पेपर टाइप करके बना के और फिर उसे सेंटर पे पहुंचा दे। तो 1 महीना तो आपका इन सारे प्रोसेस में हो जाएगा। तो 14 सितंबर से हम 1 महीना पीछे आए तो कहाँ आएंगे? अगस्त में आएंगे, 14 अगस्त है ना। अब देखिए, 14 अगस्त तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जो करंट अफेयर है मेनली वो आपका जुलाई, जून पीछे से आ रहे हैं, मई, आपका अप्रैल, ये 4 महीने का करंट अफेयर आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मई जून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अप्रैल मई जून आप मान लो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जो 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, सॉरी कहाँ, 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, ये आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो अप्रैल मई जून के होंगे। जुलाई और मार्च थोड़ा कम वेटेज रहेगा, फरवरी का और कम वेटेज रहेगा, जनवरी का शायद ना भी हो। आपको पिछले 6 से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 से 7 महीने आप अच्छे से पढ़िए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिसमें अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करिए। यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यूपी स्पेशल की कई सारी बुक आती हैं, दृष्टि वगैरह के मार्केट में उन्हें ऑथेंटिक बुक कोई भी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार हो जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज है, उनमें भी क्वेश्चन आएंगे, उन्हें आप रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पीडीएफ वगैरह आते हैं 100-200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन के, या कोई भी बेसिक सी कंपेंडियम जैसी बुक होती है आती है, उसे आप पढ़ लेंगे तो भी 3 क्वेश्चन हो जाएगा। एग्रीकल्चर आप नोट्स से पढ़ सकते हैं हमारे दिए हुए। तो ये आपके जीएस की स्ट्रेटेजी है। अब देखिए, एक बात समझिएगा, जीएस में कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा अगर वो एकदम मिनिमम तैयारी, मतलब वो केवल ठीक ठाक एवरेज बच्चा हो और वो बिना तैयारी के पेपर देने चला जाए, तो इस 50 क्वेश्चन में जनरल स्टडीज़ के, इस 50 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन एकदम, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो एवरेज आईक्यू लेवल का बच्चा है लेकिन वो जीएस की तैयारी नहीं कर रहा है, वो भी 15 से 20 क्वेश्चन कर लेगा, बहुत इत्मीनान से कर लेगा, क्योंकि वो बचपन में बिना इतिहास पढ़े, बिना भूगोल पढ़े, बिना इकोनॉमिक्स पढ़े, ये बिना पढ़े इतना बड़ा नहीं हुआ है। अगर वो ग्रेजुएशन किया है तो 15 से 20 नंबर पर की उसकी नॉलेज है। थोड़ा एवेब एवरेज बच्चा जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ता है, मतलब एवरेज भी है और वो तैयारी भी कर रहा है, वो क्या कर लेगा, 25 से 30 क्वेश्चन बहुत आराम से। मैं वनडे वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के बच्चे की नहीं बात कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज बच्चे को तो ये 15, 20, 25, 30 के फिगर में नहीं खेलना है, उसके लिए मस्ट है कि 50 क्वेश्चन में 42 प्लस क्वेश्चन उसे करना है। अगर वो 42, 43 क्वेश्चन से कम कर रहा है तो फिर वो अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को एकदम आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आपके लिए जीएस पोर्शन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं वनडे वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज माइंड के हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, वो 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप केवल ये पोर्शन अच्छे से पढ़ के गए हो, केवल लूसेंट से मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, लूसेंट से पॉलिटी तैयार कर लीजिए, ज्योग्राफी लूसेंट से पढ़ लीजिए, घटनाचक्र के प्रश्न पढ़ लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा है। करंट अफेयर्स आपकी जो भी क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन है या जो भी आपको अच्छी लगती है, लगभग सब में सेम होता है, वो फॉलो कर लीजिए, जितना मैं बताया हूँ उतना, इतना ही कर ले जाएंगे तो आप 50 में 35 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 35 प्लस क्वेश्चन केवल इतना में कर लेंगे। अब थोड़ी और तैयारी कर लेंगे तो 40 प्लस हो जाएगा। एक बात और है, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लो, सागर है, कितना भी पढ़ लो, आप ये सोचो कि मैं 50 में 50 कर लूँगा तो इम्प्रैक्टिकल है, ये संभव नहीं है किसी भी का, वो चाहे कितना भी उसकी जीएस अच्छी हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे, देखिए पहली बात तो हर एग्जाम में 10% ह्यूमन एरर होता है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा,
या गोला भरने में गलती हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें 10% गलती हो गई, तो 4-5 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही गलत हो जाते हैं। हर बच्चे का होता है, आपको लगता है सही करके आए हो लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत कहीं कुछ भूल जाते हो, कहीं डेटा कुछ गलत हो जाता है, या कभी समझने में गलत हो जाता है, क्वेश्चन पूछा होता है कौन सा नहीं है और आप समझ लेते हो कौन सा है, तो ये सब ह्यूमन एरर में आते हैं। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं, उनको मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप कितना भी अच्छी जीएस हो, आप 45+ क्वेश्चन करने में मुश्किल होगे। तो आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो 35+ क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो 45 क्वेश्चन कर पाओगे। ये जो 10 क्वेश्चन का फ़र्क है, इसके लिए आप अपनी अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करो, इसकी ज़रूरत नहीं। ये बात दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मंडे वाले बच्चों के लिए भी, सिविल सर्विस वाले बच्चे के लिए भी, कि हम ये सोचें कि जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ के, सबसे बड़ी गलती होती है मैक्सिमम बच्चे केवल जीएस लेके बैठे रहते हैं, वो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपकी रणनीति जितनी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेटजी, आपका टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, आप सफलता के उतने ही करीब जाएंगे। दूसरी बात, ये तो था कि सब्जेक्ट वाइज, अभी जीएस की बात किए हम, थोड़ा मैथ्स की बात कर लेते हैं। उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि 24-25 दिन बचे हैं मैथ्स में। टॉपिक आपको पता ही है, आप प्रीवियस पेपर दे सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज उठाइए, उसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं वहीं से फिर से क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो वहाँ से उठाइए, केवल आप उन उन टॉपिक को पढ़ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आपके 3-4 क्वेश्चन होंगे ही, टाइम एंड वर्क के 1-2 क्वेश्चन होगा ही होगा, आपका रेशियो का 1 क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है, आपका मीन डेविएशन, ये सब जो मीन मोड मीडियन, इससे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, एक क्लॉक का क्वेश्चन पूछेगा, एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछेगा, ये सब छोटी छोटी टॉपिक हैं जो 1-2 नंबर लेके आपको थोड़ा बढ़ा सकती हैं। तो ये मैं बाद में बात करूँगा, अभी इसकी बात नहीं करूँगा कि आपको मैथ में पढ़ना क्या है, वो सब आप पेपर से देख लीजिएगा। मैं इतना करूँगा कि मैथ केवल आप प्रैक्टिस करिए लास्ट टाइम में, कम बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सब कुछ एकदम कुछ नहीं पढ़े हो जीरो से, जीरो से स्टार्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा कि आप उस लेवल पे जाओ 24-25 दिन में। एक बात और कहें, 24-25 दिन कम तो है लेकिन इतने भी कम नहीं है कि आप तैयारी ना कर पाओ, इतने भी कम नहीं है। अगर आप ठान लोगे दिन के 8-10 घंटे पढ़ोगे तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा लास्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टेस्ट वगैरह दो, मॉक आप सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है मैथ्स के लिए, और सेम रणनीति आपकी रीजनिंग के लिए। रही बात हिंदी की, तो हिंदी आपकी कोई भी ऑथेंटिक किताब है जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, ठीक ठाक आप उससे कर सकते हो, लूसेंट है वो भी, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो 18-20 नंबर पहुंच जाओगे, बहुत अच्छी तैयारी करोगे तो 24-25 भी हिंदी में डूएबल है, आप 25-25 क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो हिंदी आपका स्कोरिंग है, प्लस पॉइंट है सिविल वालों के लिए भी और वनडे वालों के लिए भी। आप कम समय में मुश्किल से, आप पूरे तैयारी में एक दिन देखे, इस पूरे 24-25 दिन में केवल 1-2 दिन हिंदी के लिए निकाल लीजिए, आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिए और लास्ट टाइम में फिर रिवाइज कर लीजिए, आपका 20+ स्कोर हो जाएगा। तो ये तो हमारी कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी थी। तीसरी बात, हम अब बात करेंगे थोड़ा एग्जाम टेम्परामेंट की, आखिर आपको क्या दिमाग में रख के चलना है इस 24-25 दिन में। देखिए एक बात हम समझेंगे, ये जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपके आने हैं, कोई भी पेपर होता है, दुनिया का कोई भी पेपर, कितना भी टफ से टफ एग्जाम का हो, कितना से आसान लेवल का हो, 10th लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो या 12th लेवल का हो, एक चीज़ हमेशा फॉलो होती है, 30-35% क्वेश्चन इजी होते हैं, 30-35% इजी, 40% क्वेश्चन लगभग मॉडरेट लेवल के होते हैं, और 30% लगभग 25-30% आपके टफ लेवल के, जिसे आप बोलते हो क्वेश्चन बहुत टफ। बच्चा क्या करता है, उसका पूरा पेपर करते समय, पेपर दे के आता है तब भी, और तैयारी के समय भी पूरा फोकस 30% होता है, इस टफ वाले पे होता है, जबकि यही क्या है, गलत है, ये गलत है। तो ये 30% पे सबसे ज्यादा जो फोकस करता है यही वो गलत है। अभी आपके पास ये 30-40%, 70-75%, ये जो आपके पास दो पोर्शन है, आप इस पे क्यों नहीं फोकस करते हो, ये आपका सिलेक्शन करवाता है, ये तो केवल रैंक बनाने का काम करता है, आप इसमें कर ले जाओगे तो आपकी रैंक चढ़ जाएगी, लेकिन सिलेक्शन आपका इससे होना है, आप इस पे फोकस रहो। जब भी आप पेपर देने जाओ
तो आप पहले सबसे पहले आसान आसान क्वेश्चन को ढूंढो, फिर आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को ढूंढो, जो भी टफ क्वेश्चन है उसे तुरंत स्किप करो, क्योंकि परीक्षा आपको ये सिखाती है कि क्या करना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या आपको छोड़ के चलना है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कहाँ अपना टाइम सेव करना है, कहाँ आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, कहाँ आपको अपना टेम्परामेंट पॉजिटिव रखना है, वो ये करेगा 30 से 40%। दूसरी बात, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, कितना भी आसान हो और कितना भी टफ हो। मैं ऐसे एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो 3-4 साल में पहली बार आते हैं, कहीं 3-4 साल में एक बार आ जाते हैं, 200-300 पोस्ट होती है और फिर आसान पेपर हो जाता है, उनका कट ऑफ हाई चला जाता है। लेकिन बाकी सारे पेपरों का जो रेगुलर वे में होते रहते हैं, कोई भी टॉपर जो टॉप मारता है बंदा, वो भी 80% ही पेपर का कर पाता है। कितना? ये टॉपर का नंबर मैं बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में किसी भी टॉपर का 80% से ज़्यादा नंबर नहीं होता है। एक दो एक्सेप्शन होते हैं जो कर देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो मेन 8-10 टॉपर होते हैं, 80% होता है। आप 70 से 75% पे पहले टारगेट करो, 5% इस वाले में कर लोगे तो आप भी टॉपर लिस्ट में आ जाओगे। सिलेक्शन तो आपका 65 से 70% के ही स्कोर पे हो जाता है। कहने का मतलब, आप 150 क्वेश्चन में 105 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ कर आओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि 150 क्वेश्चन में 105-10 क्वेश्चन आप 90% एक्यूरेसी के साथ करो। आपकी एक्यूरेसी कम होती है तो आपका अटेम्प्ट 120 हो जाना चाहिए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अगर मेंटेन रहती है, मैं एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आपकी सही रणनीति होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी के साथ आप 105 से 110 क्वेश्चन में सेलेक्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको रैंक बनानी है, आपको अपनी झोली में ज़्यादा प्रतिष्ठा डालना है, आपको अपना ईगो ज़्यादा सेटिस्फाई करना है, या अपने आप को ज़्यादा बोलना है कि नहीं मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, तो आप इसमें एकदम, ये आपके लिए वेलकम कर रहा है। इस 30% में जितना है सब आप ही के लिए तो है, आप इसे करने की कोशिश करिए। लेकिन पहले आप इस 70% पे टारगेट करिए और इस 70% में आप सिलेक्शन भड़का कर सकते हो, तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपका 70% पे हो गया सेलेक्शन, 65% पे सेलेक्शन हो गया और कोई 80% टॉप पास है, तो क्या उससे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। वही नौकरी इसे भी मिलेगी और वही नौकरी इसे भी मिलेगी। ये हो सकता है कि पोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो रैंक का फैक्टर होता है, जो टफ वाले पोर्शन में ज़्यादा अच्छा करेगा उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी तो उसके मन मुताबिक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन नौकरी जो एग्ज़ाम है वो दोनों का क्वालिफाई होगा, किसी को एक्स्ट्रा अवार्ड मिलने नहीं जा रहा है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, आप एकदम पॉजिटिव रहिए। 24-25 दिन कम हैं लेकिन असंभव नहीं है। 24-25 दिन आपके पास इतना समय है कि आप इस 60 से 65% के बल पे और 10% टफ वाले में आके जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। कंपटीशन दोनों का बराबर है, वो चाहे सिविल सर्विसेज के बच्चे हों, वो चाहे वनडे के बच्चे हों, दोनों को सेम कंपटीशन है। 50-50 का रेशियो दोनों में है, दोनों लोग को उसी रणनीति पे काम करनी होगी। जो सब्जेक्ट जिसका ज़्यादा स्ट्रांग है आप उस पर गलती कम करने की कोशिश करो, उस पर ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, प्लस जो दूसरा सब्जेक्ट है उस पर नंबर बटोरने की कोशिश करो। आपको टारगेट होना चाहिए कि आप 70% से 75% पेपर सॉल्व करो 90% एक्यूरेसी के साथ, आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी वीडियो आती रहेगी आपके साथ। हमारी जो टीम के लोग हैं, जो सब लोग हैं, वो आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको समय समय पे बताते रहेंगे। टेस्ट सीरीज जो चल रही है फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है उसमें। आप सभी लोग पैनल पे रजिस्टर करिए, पैनल की लिंक किसी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। प्लस आपको अभी भी कुछ ऐसा दुविधा रह गई हो दिमाग में कि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, या कोई और भी परेशानी आपके लिए क्रिएट हो रही हो, आपके लिए कमेंट में मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट में बोलिए, हमसे पूछिए, 100 बार पूछिए, हमारे टीम का हर सारे के सारे टीचर, जो सारे के सारे फैकल्टी हैं या जो टेक टीम है, सभी लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपके बातों का जवाब दिया जाए, आपको सही दिशा में ले जाया जाए। आपकी सफलता ही हमारा मेन ध्येय है। धन्यवाद।